वो लड़का है या मुसीबत पीछा ही नहीं छोड़ता, यहाँ भी आ गया। चित्रकार की चित्रकारी दुनिया पे पड़ेगी भारी, आने दो। मैं आ चुका हूँ, अब पुलिस भी आती होगी। लंगूर अंकल अब तो गेटअप उतार दो। संभालना, पेंटिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, उस पेंटिंग को नहीं टकराना। रुक जाओ। जानते भी हो ये पेंटिंग कितनी मेहनत से बनती है? जानते हो ये किस महान कलाकार ने बनाई है? कुछ आइडिया है? इससे लड़ रहे हो? सॉरी, पता नहीं था। और मार नहीं खा सकते, सॉरी बॉस। कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की। चित्रकार सिंह जी, आप एग्जीबिशन से पेंटिंग चुराते क्यों हैं? सिर्फ अपने घर में सजाने के लिए या फिर कहीं बेचने के लिए? मैं चोरी नहीं करवाता, मैं पेंटिंग बदलवा देता हूँ। मेरी बनाई हुई पेंटिंग लगा के ओरिजिनल अपने पास मंगवा लेता हूँ। वाओ, आप खुद बनाते हैं वो पेंटिंग्स? यकीन नहीं होता, पहचानना ही मुश्किल है कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी फेक। फिर ये सब क्यों करते हैं? चोरी तो फिर भी आप करवा ही रहे हैं ना? कुछ साल पहले की बात है, मेरी पेंटिंग को एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में रखने से मना कर दिया, क्योंकि मैं नया पेंटर था और वह सब बड़े पेंटर्स की पेंटिंग लगानी थी। मैं वो अपमान सह नहीं पाया। तब से आपने लोगों को ये बताना शुरू किया कि आप कितने महान पेंटर हैं। कोई आपकी पेंटिंग और ओरिजिनल पेंटिंग में फर्क नहीं बता सकता। यस, आज पूरी दुनिया में ना जाने कितनी मेरी पेंटिंग्स घूम रही है। उनको बनाने वाले को भी नहीं पता कि उसकी बनाई पेंटिंग मेरे पास है। आप जैसे महान चित्रकार को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। काश ये इज्जत मुझे पहले मिली होती तो मैं ये सब नहीं करता। मैं पेंटर हूँ, चोर नहीं। मैं चाहता हूँ दुनिया जाने कि मैं कितना अच्छा पेंटर हूँ। सर, हम एक एग्जीबिशन सिर्फ आपके लिए लगाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि आप कितने महान पेंटर हैं। क्यों लड्डू सिंह जी? ओ यस यस यस, लेकिन अभी तो आपको जेल जाना होगा। मैं आपकी सजा कम करवा दूंगा ताकि आप बाद में आराम से सिर्फ पेंटिंग करो और ओरिजिनल पेंटिंग करो, समझे? थैंक यू वेरी मच। ये बच्चा क्या भला है? शिवा, मैं ची हूँ और ये मेरा दोस्त मी है। तुम हमारे लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हो।
थैंक यू। आप लोग चिंता मत करो। लड्डू सिंह जी, मैं गहरी घाटी की तरफ जा रहा हूँ, आप लोग वहीं आ जाइए। ओके शिवा, ओके। चलिए सर। पकड़ लीजिए। शिवा! वो नीचे गिर रहा है, पकड़ो। एलियंस को चोट ना लगने पाए। डरो मत। कभी हार नहीं मानते क्या? पकड़ो उसे। हैंड्स अप शिवा, उनको मेरे हवाले कर दो। हैंड्स अप। अब कोई चाल नहीं चलेगी, समझे? हैंड्स अप। रेवा, आदि, यूडी, ये ची और मी है। ची और मी, ये मेरे दोस्त है, रेवा, आदि एंड यूडी। और मैं इंस्पेक्टर लड्डू सिंह। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई एलियन आता है तो लोग ओके शिवा, हमारे जाने का टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। तुम लोग बहुत अच्छे हो, कभी मौका मिला तो तुम्हें अपने प्लैनेट ले जाएंगे। आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए। हमारे प्लैनेट में पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ खत्म हो गई हैं। हमें एनर्जी इन्हीं से मिलती है। यहाँ से इन सब का रस चूस के हम ले जा रहे थे। अगर ऐसी बात है तो आप लोग यहाँ से हर पेड़ पौधे फूल पत्ती फल के सीड्स ले जाइए और अपने प्लैनेट में लगा दीजिए। सच? क्या तुम लोग हमें सीड्स दोगे?